तो गाइस यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सिल्वर प्ले बटन के लिए अप्लाई किस तरह से किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको पता होगा कि अगर आपका यूट्यूब चैनल पर 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाता है तो यूट्यूब आपको एक सिल्वर प्ले बटन देता है, जो कि एक यूट्यूब की तरफ से अवार्ड आपको दिया जाता है, आपको पता होगा। तो आखिर इसका क्राइटेरिया क्या है और अगर आपके चैनल पर 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं तो किस तरीके से आप क्लेम कर सकते हो अपने सिल्वर प्ले बटन को, वही आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर जब आपके चैनल पर 100 के सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो आपको 7 दिन के अंदर आपका जो सिल्वर प्ले बटन के लिए कोड है, एक रिडेम्पशन कोड होता है, वो आपको मिल जाता है। आपके जीमेल एड्रेस पर एक मेल आ जाता है जिसमें कि आपका रिडेम्पशन कोड रहता है, एक यूनिक कोड होता है। यहाँ पर सिल्वर प्ले बटन पाने के लिए कुछ ऐसे क्राइटेरिया भी हैं जो कि यूट्यूब की तरफ से रखा गया है। अगर आपके चैनल पर ऐसा होता है तभी आपको सिल्वर प्ले बटन दिया जाता है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया, सबसे बड़ा क्राइटेरिया जो है वो 100 के सब्सक्राइबर का है। उसके बाद आपका जो चैनल है वो यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और आपके चैनल पर आप ही का कंटेंट होना चाहिए, यानी कि कोई डाउनलोडेड कंटेंट आपके चैनल पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और जो यूट्यूब का गाइडलाइन है उसके खिलाफ आपके चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा आपका चैनल होता है तो आपको भी सिल्वर प्ले बटन जरूर से मिलेगा। जो रिडीम करने वाला कोड होता है वो आपको 7 दिन के अंदर आपके YT स्टूडियो में सबसे ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद अगर आपको वो जो कोड है मिल जाता है रिडीम करने वाला कोड, तो उसके बाद के प्रोसेस को हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो गाइस अब बात करते हैं कि अगर आपको रिडीम कोड मिल जाता है तो किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो सिल्वर प्ले बटन के लिए। तो सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर में अपने YT स्टूडियो को ओपन करना है। उसके बाद सबसे ऊपर ही आपको क्लेम अवार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप एक वेबसाइट पर चले जाओगे जो कि यूट्यूब का ही वेबसाइट है। तो यहाँ पर आप देखोगे इंटर रिडेम्पशन कोड यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर आपका जो रिडीम कोड है जो आपको मेल के थ्रू आपको मिला हुआ है उसे आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद जस्ट उसके नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि होगा रिडीम अवार्ड का, तो अब आपको सिंपल इसी रिडीम अवार्ड पर क्लिक कर देना है। अब गाइस यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब यहाँ पर आपको अपने यूट्यूब चैनल का नाम डालना है, यानी कि आखिर आपने सिल्वर प्ले बटन में कौन सा नाम लिखवाना चाहते हो, जो आपके चैनल का नाम हो या फिर जो भी आपको सही लगे वो चीज़ आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो चीज़ आप इंटर करोगे वही आपके सिल्वर प्ले बटन पर लिखकर आने वाला है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। तो यहाँ पर चैनल का नाम लिखने के बाद सबसे नीचे आपको एक लास्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि होगा अप्रूव एंड चेकआउट, तो जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको एडिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना होगा क्योंकि यहाँ पर टाइम थोड़ा सा लग सकता है। अब दोस्तों इसके बाद आपके सामने एक दूसरा इंटरफेस आएगा, कई सारे पेज आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका एक ईमेल एड्रेस मांगा जाएगा, तो यहाँ पर आप कोई भी ईमेल एड्रेस डाल सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस देना है, जिस एड्रेस पर आप अपना सिल्वर प्ले बटन रिसीव करना चाहते हो वो सारा कुछ आपको यहाँ पर देना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपका कंट्री क्या है, उसके बाद आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, सारा कुछ आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो सबसे पहला जो आपको फर्स्ट नेम देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम अपना डालना है, लास्ट नेम में आपको अपना लास्ट नेम, उसके बाद कंपनी को आपको छोड़ देना है, कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं करना है। उसके बाद नीचे आपको स्ट्रीट एड्रेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको अपने गाँव का नाम यहाँ पर इंटर कर देना है, यानी कि आपका जो एड्रेस है उसे आपको यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद सिटी, आपका जो सिटी हो वो आप डाल सकते हो। उसके बाद स्टेट, उसके बाद आपको पोस्टल कोड, जो आपका एरिया कोड होता है पोस्टल कोड, जिसे पिन कोड भी कहा जाता है, वो चीज़ आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है। उसके बाद आपको एक लास्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि होगा मोबाइल नंबर का, यहाँ पर आपको एक ऐसा मोबाइल नंबर डालना है जिससे कि बाद में यूट्यूब आपसे कॉन्टैक्ट कर पाए, तो एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद आपको VAT नंबर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको इसको छोड़ देना है, कुछ भी आपको इसमें नहीं करना है। उसके बाद लास्ट में आपको आधार नंबर या फिर पैन कार्ड नंबर अपना इंटर करना है, जो भी आपके पास हो, जिसका भी नंबर आपके पास अवेलेबल हो वो नंबर आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है। उसके बाद दोस्तों ये सब करने के बाद आपको सही से एक बार सब कुछ मैच कर लेना है, देन उसके बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन सबसे नीचे देखने को मिल जाएगा, तो अब आपको इसी नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक सजेस्टेड एड्रेस, दूसरा ओरिजिनल एड्रेस का। तो सिंपल आपको ओरिजिनल पर क्लिक करना है, उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि आखिर आपने क्या क्या इंटर किया है, आपका जो एड्रेस है वो क्या है, सारा कुछ आपको सही से देख लेना है। उसके बाद सिंपल आपको प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इतना करने के बाद आप देख पाओगे एक ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, यानी कि आपका जो सिल्वर प्ले बटन है वो अप्लाई हो चुका है। अब आपका जो सिल्वर प्ले बटन है बहुत जल्द ही आप तक पहुंचने वाला है। यहाँ पर आप देख पाओगे जो ऑर्डर नंबर है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको ये भी बता दिया जाएगा कि जब भी सिल्वर प्ले बटन यूट्यूब की तरफ से भेजा जाएगा आपको एक पर्सनल मेल किया जाएगा जिसमें आपको सारे डिटेल बताया जाएगा, आखिर कितने दिन में आप तक वो सिल्वर प्ले बटन पहुंच सकता है या फिर जो भी डिटेल है वो आपको आगे ईमेल में मिल जाएगी। सिल्वर प्ले बटन को अप्लाई करने का जो भी प्रोसेस था वो सब कुछ मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। और गाइस इतना सब करने के बाद आपको सिंपल वेट करना है, कुछ टाइम लग सकता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ते तक आपको वेट करना है। उसके बाद आपका जो पोस्ट ऑफिस है जहाँ का पिन कोड आपने इंटर किया है उस पर आपको जो सिल्वर प्ले बटन है उसे
डिलीवर कर दिया जाएगा। तो गाइस यही थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल को। तो गाइस आपसे मिलते हैं किसी और नए वीडियो बनाए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।